हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आप लोग जानते हो कि भाई साइकिल तो सीजन 4 M8 आ चुका है, रोल पास 8 आ चुका है और आप लोग का कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है ना। तो कमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे भाई कि सेंसिटिविटी न्यू वाली बता दो ताकि जो मेरा रिकॉयल विकॉयल है ना सारा कुछ यहाँ पर इजिली मैं कंट्रोल कर पाऊँ, क्लोज फाइट में इजिली गेम प्ले को इम्प्रूव कर पाऊँ, 1/4 क्लच निकाल सकूँ और जब साथ ही साथ में जब लॉन्ग स्प्रे करता हूँ तो वहाँ पर रिकॉयल को मैं इजिली कंट्रोल कर पाऊँ और साथ में कुछ अपना पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप लोग बता दो है ना। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी कंप्लीट देने वाला हूं, साथ में रिकॉइल विकॉइल के लिए कंप्लीट सेंसिटिविटी बताने वाला हूं ताकि आपका पूरा गेम प्ले यहां पर इंप्रूव होने वाला है। एकदम गर्दा वाला सेंसिटिविटी आप लोग यहां बना के दूंगा BGMI के लिए और PUBG मोबाइल के लिए, दोनों में आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहां पर शुरू कर लेते हैं क्योंकि बातें बहुत हो गई। तो सबसे पहले थैंकफुल है सपोर्ट मेरी ऑडियंस, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हम लोग बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहे हैं गाइस और ये सपोर्ट आप लोग कंटिन्यू बनाए रखेंगे तो मेरे लिए और भी अच्छी बात होगी। हमेशा आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहूंगा, तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा सपोर्ट दिखा दे और एक छोटा सा प्यार बनाए रखे। और अगर कोई भी दिक्कत आएंगे तो इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो BGMI वर्जन 1.80 है, वर्जन चेंज नहीं हुआ है, इसलिए जो आपको बेसिक सेटिंग वगैरह होती है ना वो सब कुछ सेम ही देखने को मिलता है, कुछ भी अलग नहीं है। बस थोड़ा सा सेंसिटिविटी क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे क्योंकि क्या होती है पुरानी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग ना काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी। तो अटैचमेंट देख लो, अटैचमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी एक अटैचमेंट मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, ये वर्टिकल फुट ग्रिप मुझे यहाँ पर लगाना है, सॉरी हाफ ग्रिप ही यूज़ कर सकते हो वर्टिकल फुट ग्रिप की जगह। तो चलिए हम लोग फटाफट से यहाँ पर हाफ ग्रिप को उठाते हैं और शुरू कर लेते हैं अपना ये सारा तांडव। क्लोज फाइट शुरू करेंगे सबसे पहले क्योंकि क्लोज कॉम्बैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोज कॉम्बैट को विन करना हर लोगों के बस की बात नहीं होती है ना। रिकॉल को कंट्रोल करना तो सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्लोज कॉम्बैट तो भाई ये स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस टाइप का जो मूवमेंट जिग्गल हिप फायर, ये तीनों को करना पड़ेगा भाई इंप्रूव। जैसे देखो हिप फायर तो करके दिखा दूं मैं, ये तो पहले जिग्गल कर रहा हूं फास्ट, क्राउच प्लस जिग्गल प्लस हिप फायर, ये जो आप कॉम्बिनेशन अच्छे से कर पाओगे ना तभी जाकर पूरा गेम प्ले इंप्रूव होने वाला है। ये जो हिप फायर करके दिखा रहा हूं ना जायरो की सहायता से है ना, जायरो स्कोप को मैं अच्छे से यहां पर यूज कर पा रहा हूं, जायरो स्कोप का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा हूं तभी जाकर एक अच्छा सा हिप फायर मैं बना पा रहा हूँ। तो ये हिप फायर जो है आप लोगों को भी अपने सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग आपको डेवलप करना है, आपके गेम प्ले में इसको इंप्लीमेंट करना है तभी जाकर के पूरा गेम प्ले आपका अच्छे से रिकॉइल कंट्रोल कर पाओगे और अच्छे से आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके पूरी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग आयरन साइड की, क्योंकि भाई लैंडिंग फाइट के लिए आपको आयरन साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लैंड करते हो हॉट ड्रॉप के पास तो आपको वहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे इसी से बंदे को डाउन करते हो, भागते हुए बंदे को भी डाउन करते हो। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, इस टाइप का मूवमेंट करोगे तभी जाकर के आप फास्ट बंदे को डाउन भी कर पाओगे और आपका जो पूरा गेम प्ले जो है कंप्लीट इंप्रूव भी हो जाएगा। तो हॉट ड्रॉप में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसके लिए सेंसिटिविटी अच्छे से डिजाइन करना पड़े ताकि आपको गेम प्ले के दौरान कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर आयरन साइड से मैं दूर के बंदे को भी डाउन कर सकता हूँ, लगभग 150-200 मीटर के बंदे को। तो अब यहाँ बात कर लेते रेड डॉट की, तो रेड डॉट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लोज कॉम्बैट को इंप्रूव करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर तुरंत स्प्रे करके चेक कर लेता हूँ, अब देखो भाई रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए जो होता है ना वो आपको सेंसिटिविटी तो अच्छी होनी चाहिए, वो मैटर करता है, बट आपका डिवाइस भी मैटर करता है कि आपका डिवाइस कौन कौन सा है क्या है, हर डिवाइस सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। तो मैंने हर डिवाइस के लिए पर्टिकुलर सेंसिटिविटी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी जाकर के चैनल पे चेक कर सकते हो। और सेंसिटिविटी हैंड के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपके हैंड के ऊपर कौन सेंसिटिविटी सूट करता है। तो सेंसिटिविटी अपने हैंड के अकॉर्डिंग बनाओ, और बनाना कैसे वही सिखा रहा हूँ आपको। जैसे कोई गाड़ी भाग रहा है या फिर कोई बंदा भाग रहा है तो ये जो मूवमेंट का दिखा रहा हूँ ना स्टेबिलिटी इस तरीके का होना चाहिए, तभी आप भागते हुए बंदे या फिर भागते हुए गाड़ी को इजीली डाउन कर सकते हो। और रेड डॉट से ही हम लोग 150-200 मीटर के दूर के बंदे को भी डाउन कर देते हैं, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी और रिकॉयल दोनों को अच्छे से मिलाना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग 3X की। तो 3X को क्लोज कॉम्बैट मिड रेंज लॉन्ग रेंज सब हर फॉर्मेट में यूज होने वाला एक बेस्ट स्कोप है, तो इसकी सेंसिटिविटी को मिलाना अच्छे से बहुत ही जरूरी है। क्लोज कॉम्बैट में अगर आप स्प्रे करोगे तो यहाँ पर मूवमेंट होना चाहिए, इसको फंसना नहीं चाहिए। और जब लॉन्ग स्प्रे में आप जब इसको लॉन्ग स्प्रे करते हो लगभग 400 मीटर पे तो वहाँ पर रिकॉयल कंट्रोल करना चाहिए, समझ गए। तो इसके लिए इसका मूवमेंट और रिकॉयल दोनों को अच्छे से मिलाना बहुत ही जरूरी है। तो क्लोज कॉम्बैट में तो मूवमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार 400 मीटर लॉन्ग स्प्रे करके चेक कर लेते हैं कोई दिक्कत यहाँ पर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अब देखो भाई जनरली क्या होता है कि 400 मीटर पर जब आप स्प्रे करते हो आपका स्कोप ऊपर की तरफ भागने लगता है, तो मेरा स्कोप यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं भाग रहा है, रिकॉयल काफ़ी हद तक कंट्रोल। अब देखो होता क्या भाई कि 400 मीटर पे आपको जनरली बंदे भी ढंग से दिखाई नहीं पड़ते कि बंदे का कितना बॉडी दिख रहा है, कितना हेड दिख रहा है, ताकि आपका जो एम का एक्यूरेसी बिल्कुल भी अच्छा हो पाए, इसलिए आपको 400 मीटर को गौर नहीं करना है। फिर भी काफ़ी हद तक आपको रिकॉल कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं 4X की, तो 4X को थोड़ा सा मुझे वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है, बाय द वे मैंने इसको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बना लिया है, काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हूँ सेंसिटिविटी के बनाने में, तभी जाकर आपको एक फुल फाइनल सेंसिटिविटी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो आपको सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी,
ये जो सेंसिबिलिटी है ये काफ़ी यूनिवर्सल है, आपको हर डिवाइस में काम आएगी, बस आईपैड में ये काम नहीं करेगी क्योंकि आईपैड का स्क्रीन साइज अलग होता है और ग्राफिक्स भी काफ़ी अलग होती है। तो आईपैड में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है, सॉरी एंड्रॉयड और iOS में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आईपैड में ये थोड़ी सी वर्क नहीं करेगी। तो चलिए फटाफट इसका मूवमेंट चेक कर लेते 4X का, क्योंकि 4X को आप जानते हो कि इसको एडजस्टमेंट करने का कोई भी ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिलता है इस स्कोप के अंदर में। तो ये थोड़ा सा वाइब्रेशन देखने को मिलता है, बाय द वे एक बार लॉन्ग स्प्रे करके चेक कर लेते हैं। और रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए जब भी देखो, एक बात बता दूं आपको कि जब भी अगर आपका पिंग हाई और हाई रहेगा ना तो आपको थोड़ा सा रिकॉइल कंट्रोल करने में दिक्कत आएगा, आपका स्कोप जो है थोड़ा सा फंसेगा, गेम थोड़ा लैग करेगा और FPS ड्रॉप होगा वहाँ पर, तो आप रिकॉइल कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आपका पिंग भी अच्छा होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि पिंग आपको ग्रीन तो दिखता है बट वो ग्रीन एक्चुअली में होता नहीं है, वो सर्वर एरर की वजह से आपको ग्रीन दिखता है लेकिन हकीकत में आपका जो पिंग होता है वो हाई होता है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं एडजस्ट, क्योंकि क्लोज कंबैट में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब लॉन्ग स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है। बाय द वे विदाउट यूजिंग एनी कॉन्फ़िगर फाइल काफ़ी हद तक रिकॉइल कंट्रोल है, और आप किसी भी कॉन्फ़िगर फाइल को यूज़ मत करना क्योंकि वो आईडी बैंड हो जाएगी आपकी, उसमें जो भी सर आपका मेहनत है, आपका जो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सब कुछ गायब हो जाएंगे, आईडी बैंड हो जाएगी, समझ गए। तो किसी भी कॉन्फ़िगर फाइल को यूज़ मत करना। 90 FPS इनेबल करने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर फाइल यूज़ करते हैं, उसको भी कॉन्फ़िगर फाइल यूज़ नहीं करना है। तो 6X में भी कोई रिकॉइल नहीं है, थोड़ा इसको भी क्या करते हैं लॉन्ग स्प्रे करके चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्कोप ओपनिंग क्लोजिंग टाइम को काफ़ी फास्ट करके चेक कर लेते हैं। देखो फास्ट स्कोपिंग करने के लिए भाई आपको स्कोप का ओपनिंग क्लोजिंग टाइम को काफ़ी करना पड़ेगा कम, तभी जाकर के फास्ट स्कोपिंग कर पाओगे। फास्ट स्कोपिंग के लिए एक सेटिंग आती है, मैं आपको दिखा दूंगा बेसिक सेटिंग जाकर के। वहाँ पर स्नैपिंग करने के लिए आपको तो स्कोपिंग सीखना बहुत ही जरूरी है, बिना स्कोपिंग सीखे आप स्नैपिंग नहीं कर सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं भाई ना, स्कोप खोल के ना चारों तरफ घुमा हुआ देखते हैं कि बंदा कहाँ पर बैठा हुआ है क्या है, तब तक उसका वो कवारा बन चुका होता है ना। तो आपको इस तरीका नहीं करना, आपको एक बार जो स्कोप है वो बंदे के हेड पे खुलना चाहिए, और हेड को खुला और सीधा हेड पे उसका एमओ कनेक्ट होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ चलेंगे सेटिंग में, और एक एक सेटिंग आपको मैं दिखा दूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिक सेटिंग, क्योंकि बेसिक सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको स्कोप सेटिंग में एक सेटिंग दिख रहा होगा, स्कोप मोड को उसको मैंने रखा होल्ड पे, या फिर आप मिक्स पे भी रख सकते हो, लेकिन मिक्स और होल्ड पे रखोगे तो आप फास्ट स्कोपिंग कर पाओगे, अच्छे से यहाँ पर हेड कनेक्ट कर पाओगे और स्कोप का ओपनिंग क्लोजिंग टाइम भी काफ़ी कम लगेगा। कैमरा रोटेशन वाले एडीज इसको भी रखना डिसेबल, ताकि आपको फायरिंग करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं आए। लीन मोड को भी रखना होल्ड पे। आप सेंसिटिविटी की सॉरी एडवांस सेटिंग की बात करें तो मैं यहाँ जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन रखा हूँ, सेंसिटिविटी जो बता रहा हूँ ये जायरो वाली ही विदाउट जायरो वाली नहीं है, और स्प्रिंट सेंसिटिविटी में रखा 100 पे, ताकि फास्ट जिग-जैग कर पाऊँ भागते हुए और फास्ट जिगल भी कर पाऊँ। सेंसिटिविटी देख लो भाई, सेंसिटिविटी जो है ना आपको थर्ड पर्सन नोज को सेंसिटिविटी आप मेरा वाला कॉपी करोगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपना बनाओगे तो आपको ये भी अच्छी बात है, क्योंकि जितना मैंने रखा उतना भी अगर आप रखोगे तो आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती आए, क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी जो है पहले अलग थी अभी अलग होने जा रही है। मैं 220 पर रखा हूँ, क्योंकि हल्का सा कैमरा घुमाता हूँ तो पूरा कैमरा घूमना चाहिए, क्योंकि मेरे को TDM वगैरह खेल के आदत हो गया है पूरा फुल सेंसिटिविटी भी खेलने का। तो मेरा वाला भी कॉपी कर सकते हो, बट इस अगर मेरा वाला कॉपी करोगे आप तो 4-5 दिन आपको दिक्कतें आएंगी, लेकिन इसके ऊपर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो जो कमांड बनेगा सेंसिटिविटी के ऊपर में ना काफ़ी अच्छा होने वाला, समझ गए। क्योंकि आपको क्लोज कंबैट को भी यहाँ पर देखते हुए मैं सेंसिटिविटी डिजाइन किया है, सिर्फ 0 रिकॉल ही मैटर नहीं करता है, क्लोज कंबैट भी मैटर करता है। तो मैंने ओवरऑल सेंसिटिविटी को यहाँ पर कर लिया है डिजाइन, आपको सेंसिटिविटी कटिंग कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी, बस इसको कॉपी करो और 4-5 दिन ट्रेनिंग मोड में प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो सेंसिटिविटी होगा ना वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला, समझ गए। तो चलिए फटाफट से क्या करता हूँ आपको मैं कोड दे देता हूँ, लेकिन कोड अगर काम ना करे तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के मिला लो, है ना। तो गाइज ये थी आज की पूरी वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, लेकिन कमेंट में जरूर बताना कि अगर कोई भी दिक्कतें आएंगी। तो अगर आपका कोई भी और डिवाइस है तो डिवाइस का कमेंट कर देना, ताकि मैं उसके लिए अलग सेंसिटिविटी वीडियो बना दूं। लेकिन छोटा सा एक सपोर्ट जरूर करना भाई, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमेशा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो चलो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखें, इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो।